तमाम गवाह और सबूत को ध्यान में रखते हुए जगमोहन पुरी, जिन पर इंडियन पिनल कोड धारा 302 के तहत मुकेश दत्ता के खून का आरोप है, इस आरोप से इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। मुझे तो लगता है कि केस जितना जैसे आपकी जरूरत बन चुकी है सर। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा पेशा है और मैं इसे मेहनत और लगन से निभाने की कोशिश करता हूँ। मेहनत तो सभी करते हैं, वो जो आपके अपोजिशन में वो भी, मगर क्या हार जाते हैं। और आपका तो रिकॉर्ड रहा है कि आज तक आपने एक भी केस नहीं हारा। अगर भगवान पर भी अगर कोई विपत्ति आ पड़े और उन्हें इस पृथ्वी पर आकर केस लड़ना पड़े तो अजय विद्यार्थियों को अपना वकील बनाएंगे। नहीं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वकील साहब, एक्सक्यूज मी, जी कहिए। पिछले 2 साल से इसके चक्कर काट रही थी, अपने बेटे को तो पहले ही खो दिया था मैंने, आज इंसानियत पर से भी मेरा विश्वास उठ गया है। मेरे बेटे को बड़ी बेरहमी से मारा था उन्होंने, ये बात तुम अच्छी तरह जानते थे, फिर भी उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करते रहे। बहुत बड़े वकील हो ना, अगर तुम्हें देने के लिए मेरे पास फीस के पैसे होते तो मैं भी तुम्हें ही अपना वकील बनाती। वाह बेटे, बहुत अच्छा काम किया है तुमने, एक एक मां को रुलाया है, आय लगेगी तुम्हें, कभी चैन की नींद नहीं सो पाओगे, बहुत पछताओगे एक दिन। जाओ बेटा, जाओ खूब पैसे कमाओ, खूब पैसे कमाओ। वाह बेटे, बहुत अच्छा काम किया है तुमने, एक एक मां को रुलाया है, आय लगेगी तुम्हें, कभी चैन की नींद नहीं सो पाओगे, बहुत पछताओगे एक दिन। सर ये सब छोड़कर मत जाइए सर, प्लीज। राधा मेरा दम घुटता है यहाँ पर, वही चेहरे वही केसेस, थक चुका हूं मैं, अब और झूठे केसेस नहीं लड़ना चाहता। बोल सारा खुद से मारा, चिल्लाने बोल, बोल साला यार, चिल्लाने बोल, बोल साला। अब कोई औरत आपसे मिलने आई है, कौन? वकील साहब। कौन है आप? मेरा पता किसने दिया आपको? मेरे बेटे को बचा लीजिए वकील साहब। देखिए मैं आपको केस वेस नहीं लड़ता हूँ, मेरा बेटा मारा जाएगा, एक ही तो बेटा है मेरा, प्लीज प्लीज आप उसे बचा लीजिए। अरे क्या कर रही हैं, पैर तो छोड़िए। उस पर झूठा केस डाला गया है, सिर्फ एक बार। हाँ हाँ ठीक है, आप पहले ऊपर तो उठिए, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए आप। अच्छा ठीक है, आइए आइए, ऊपर उठिए, ऊपर उठिए, उसे बचा लीजिए प्लीज। मेरा नाम कमला शर्मा, मैं
म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ाती हूँ। फकीर साहब, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं आपकी फीस दे सकूं, पर धीरे धीरे करके मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। बात क्या है ये बताइए। मेरा तो कुल निर्दोष है वकील साहब। देखिए आप रोइए मत, साफ साफ बताइए, मैं सुन रहा हूं। नकुल जेवियर्स कॉलेज में सेकेंड ईयर में है। मेरे सामने उसे मारते हुए मेरे घर से पुलिस ले गए। उसे बचा लीजिए वकील साहब, प्लीज उसे बचा लीजिए। देखिए आप रोइए मत, मैं सुन रहा हूं ना। सिर्फ आप ही उसे बचा सकते हैं। नकुल पर सायरा का बलात्कार और खून करने के आरोप है। बचाओ! सिर्फ आप बचा सकते हैं उससे वकील साहब, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरे नकुल को बहुत मारते होंगे ना वहां। मेरा नकुल निर्दोष है, वो ऐसा नहीं कर सकता वकील साहब। मेरा नकुल ऐसा नहीं कर सकता, आप एक बार नकुल को मिल लीजिए तो आपको मेरी बातों पर विश्वास आ जाएगा। वकील साहब, आपने नकुल को इस झूठे आरोप से बचा लिया तो भगवान आपकी 100 गलतियां माफ कर देगा। क्या नाम बताया आपने लड़की का? सायरा। और इस सायरा की तरफ से, मेरा मतलब है उसकी फैमिली की तरफ से कौन लड़ रहा है? कोई नताशा सिन्हा है। मैं ना कुछ मिलना चाहूंगा। अजय विद्यार्थी, प्लीज टू मीट यू सर। दर्द हो रहा है? कल रात इन लोगों ने मुझे बहुत मारा सर। सर मैं नीचे बैठ जाऊं? मेरे घुटने भी बहुत दर्द कर रहे हैं। आज के बाद तुम पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, ट्रस्ट मी। थैंक यू सर। क्या सोच रहे? कुछ नहीं सर। बोलो ना कुल, क्या सोच रहे? मां के बारे में,
कैसी होगी वो? She's all right. मैं हूं ना? देखो अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना. खाना देते हैं ये लोग? दोनों टाइम? अच्छा नकुल मैं चलता हूं. ओके सर. हाँ नकुल सर, कल मेरी मम्मी का बर्थडे है, अगर आप उनके लिए एक बुके ले जाते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता सर. मेरे पास पैसे नहीं है, पर यहां से बाहर निकलने के बाद किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं सर. मैं बेकसूर हूं, मैं सायरा के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता. शी वॉज माई गर्लफ्रेंड सर. लेट्स नॉट टॉक अबाउट द केस, कुछ और बातें करते हैं. चलिए बताओ तुम पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या करना चाहते हो? सर मुझे कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है, मैं ग्रेजुएशन के बाद स्टेट जाना चाहता था. मेरी स्कॉलरशिप की बात भी चल रही थी, सायरा मुझे बहुत एनकरेज करती थी सर. अगर मम्मी के बाद मैं किसी को चाहता था तो वो सायरा थी सर. देखो ना, आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझना और मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं होगा. ट्रस्ट मी. थैंक यू सर. अब मैं चलता हूं. थैंक यू सर. हेलो नताशा. अजय, व्हाट अ सरप्राइज, तुम हो कहाँ? यही घर पे. वापस कब आए तुम? अच्छा ये बताओ क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ. मेरा मतलब है शाम को क्या कर रही हो? ओ शाम को, बोलो कहाँ मिलना है और कब. मुझे कोई समझे या ना समझे तुम मुझे जरूर समझ जाती हो. रात के 9 बजे? ऑलराइट, लिटिल इटली. नो नॉट नाउ, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ. अच्छा सुनी, एक आइस टी ले आइए प्लीज. योर ऑर्डर मैम. एनीथिंग एल्स मैम? नो थैंक यू. वाइन अब तक जिनका आप इंतजार कर रही हैं? नहीं, एक्चुअली उन्हें एक अच्छे से होटल में वेटर की नौकरी मिल गई इसलिए वो आ नहीं पाए. अच्छा अच्छा. नहीं नहीं, पर बताइए ना, मैं लेके आता हूँ. इट्स ऑन द हाउस. अजय स्टॉप इट नाउ, इट्स इनफ, कम एंड सिट डाउन. ओके. हियर यू गो. थैंक यू. माय प्लेजर. आज कितने दिनों के बाद तुम्हें ऐसे मूड में देखा है. कैसे, वेटर के? नहीं, खुशी के. नताशा तुम्हारी अगली तैयारी कौन सी है? एक बहुत ही क्लियर कट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है. कौन सा? सारा मर्चेंट नाम की लड़की का रेप एंड मर्डर केस. किसने किया? उसी के बॉयफ्रेंड ने, नकुल शर्मा. दोनों क्लासमेट्स थे. नताशा तुम्हें पूरा विश्वास है कि नकुल शर्मा ने ये मर्डर और रेप किया? मैंने नकुल के बारे में जितनी भी इंक्वायरी की है उसकी अच्छाई सुनी है, लेकिन सारे सबूत उसी के खिलाफ जाते हैं. आई डोंट नो, बट आई नो इट. नकुल शर्मा ऐसा कर ही नहीं सकता, और ये मैं साबित करके रहूंगा कि वो बेकसूर है. अब ये मत कहना कि ये केस भी तुम ही लड़ रहे हो. नताशा इस बार मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, इस बार मैं एक मां को उसका बेटा लौटाना चाहता हूं क्योंकि वो बेकसूर है. You got all my best wishes. I hope कि वो बेकसूर है. सायरा हमारी इकलौती संतान थी.
उससे हमें बहुत उम्मीदें थी। उसके उसके जाने के बाद हमारी जिंदगी सूनी हो गई। मुझे पता है मुझे ऐसे मौके पर नहीं आना चाहिए, पर एक लड़के की जिंदगी का सवाल है। आप नकुल को कब से जानते थे? 2 साल से। नकुल और सायरा में बहुत गहरी दोस्ती थी। सायरा की माँ को जब शुरू शुरू में पता लगा कि सायरा की दोस्ती किसी नकुल नाम के लड़के से है तो उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन नकुल जब घर में आया तो उसने हम लोगों का दिल जीत लिया। वो दोनों बहुत सुंदर लगते थे, उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। मुझे मुझे बहुत धक्का लगा ये जानकर कि नकुल ने सायरा के साथ ऐसा किया। अंदर आइए प्लीज। थैंक यू। आइए बैठिए। फूल और केक भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर मुझे पता होता कि आप आने वाले तो मैं खाना बना कर रखती। लेकिन देखिए आप... उसकी कोई जरूरत नहीं है। और अभी आप कोई तकलीफ ना करें तो अच्छा होगा। चाय तो पियेंगे ना, प्लीज बैठे ना। मैं बैठती हूँ। प्लीज ये कब की बात है? 3 महीने पहले सीवियर हार्ट अटैक आया था। ये कब की बात है? 3 महीने पहले सीवियर हार्ट अटैक आया था। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सके। आप चाय लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। नकुल अपने पापा को बहुत प्यारा होगा ना? नहीं, वो मेरे बहुत करीब है। अपनी सारी बातें वो मुझे बताता है। उसके पापा के पास इतना टाइम कहाँ था कि उसके साथ बैठ के 4 बातें करें। कोई बिजनेस करते थे? वो शराब पीते थे 24 घंटे। होश में हो तभी तो बात कर पाते। शराब की वजह से तो उन्हें नौकरी से निकाला गया था। 4 साल से सिर्फ दारू ही पीते थे और अपना सारा गुस्सा मुझ पर और नकुल पर निकालते थे। शायद ऐसा कोई दिन गया होगा कि उन्होंने हम पर हाथ न उठाया हो। अभी तक मारते थे वो नकुल? बहुत। एक दिन उसके कॉलेज के दोस्त आए थे उसे घर छोड़ने। सायरा भी थी उनके साथ। उनके सामने भी उन्होंने इतना मारा उसे। क्यों? क्योंकि उन्हें बिना बताए फिल्म देखने गया था। बहुत मारा, बहुत पीटा। उस मार से भी नकुल ना कभी रोया ना कभी पलटकर जवाब दिया। पहले उसके पापा उसे मारते थे और पुलिस वाले
मेरा बेटा एक दिन ऐसे घुट घुट के मर जाएगा। कमला जी, कमला जी, कभी मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। मैंने अपनी मां को कभी नहीं देखा, मेरे पापा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, नकुल मेरे छोटे भाई की तरह। आप जल्द ही उसे घर में पाओगे, मेरा विश्वास कीजिए। मैं कल ही नकुल से मिलने जा रहा हूं। आई लव माय मम्मी। मेरी मम्मी थोड़ी इमोशनल है, पर दुनिया की सबसे प्यारी मां है। वो तो है, बहुत चाहती है वो तुम्हें। मैं भी, मैं हर तरह का दुख बर्दाश्त कर सकता हूं, पर मेरी वजह से मम्मी को परेशान देखता हो तो बहुत तकलीफ होती है। एनीवे, कल की रात कैसी रही? बहुत शांति। इन लोगों ने? नहीं, कुछ नहीं किया, बिल्कुल नहीं सताया, हाथ तक नहीं लगाया। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो आप जैसे ही होता। मेरी एक दोस्त है, मैं भी उस दिन उससे यही कह रहा था कि अगर मेरा कोई छोटा भाई होता तो मैं चाहता कि वो नकुल की तरह हो। आपकी दोस्त? सिर्फ दोस्त? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है? एक अच्छी दोस्त है वो। कितनी अच्छी? दोस्ती के आगे बात ही नहीं गई। नताशा उसका नाम। आई थिंक वी क्रॉस द स्टेज ऑफ फॉलिंग इन लव। एक्चुअली मैं सायरा को स्कूल डेज से जानता था। वो गर्ल स्कूल में पढ़ती थी और मैं बॉय स्कूल में। मुझे तब इतना ही मालूम था कि वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है। 3 महीने तक उसका पीछा किया, तब जाके कहा मैंने उससे बात की थी। दोस्ती बढ़ती गई और हम लोग कॉलेज में पहुंचे, तब जाके हमें रियलाइज हुआ कि वी इन लव। सब दोस्त हमें रोमियो जूलियट कहते थे। अच्छा नकुल, ये बताओ कि सायरा और तुम्हारा कभी झगड़ा हुआ था? रोज होता था, पर 1 घंटे से ज्यादा नहीं टिकता था। हम लोग झट से पैचअप कर लेते थे। उस दिन भी ऐसे ही कुछ हुआ था। कॉलेज आज के बाद हम लोग बैंडस्टैंड गए थे, क्योंकि सायरा का मूड थोड़ा उखड़ा हुआ था। क्यों? वो चाहती थी कि मैं उसके साथ ट्यूशन लूं, पर मुझे लगता था दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। पर सायरा का ये कहना था कि अगर मैं उसके साथ ट्यूशन लूं तो मैं उसके साथ ज्यादा समय बिता पाऊंगा। बहस बढ़ती गई बढ़ती गई, और अचानक से किसी ने मेरे सर के ऊपर वार किया। ऐसा लगा कि किसी ने जोर से मेरे सर पे हथौड़ा मारा। मेरे समझ में कुछ नहीं आया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। हाँ, वो सायरा चिल्ला रही थी, उसे कोई मुझसे दूर खींच रहा था। उसके उसके नाखून मेरे बाहों को खींचे हुए चले जा रहे थे। मैं मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, और उसके आगे मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, मैं होश में आया तो सायरा वहां पर नहीं थी, मैं अकेला वहां पर था। मैं घबराया, मैं वहां से भागा और मैंने वहां से फोन किया सायरा के घर पे, ये पूछने के लिए वो घर पे पहुंची कि नहीं। पर वो घर पे नहीं पहुंची थी। मैं डर के मारे अपने घर पे गया और वहां से नहाकर बाहर निकला तो पुलिस, वो मुझे खींचे हुए यहां पर लेके आए और मुझ पर रेप और मर्डर का सब मैं बेकसूर हूं। आई स्वेयर
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो ना कुल, आई होप तुमने जो कुछ भी कहा सच कहा। ट्रस्ट मी सर। आई ट्रस्ट यू ना कुल। देखो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, ताकि मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल सकूं। तुम्हारी मां तुम्हारे पापा के बारे में बता रही थी कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे सर, मुझसे भी ज्यादा। नकुल मुझसे मत छुपाओ, मैं तुम्हारे पापा के बारे में सच जान चुका हूं। यस, ही वाज द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। नकुल मैं तुम्हारे मुंह से झूठ नहीं सुनना चाहता। मैं सच कह रहा हूं सर, मेरे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, चाइल्डहुड फ्रेंड, मेरे कॉलेज के फ्रेंड। जब अभी घर पे आते थे तो मुझे भूलकर मेरे पापा से घंटों बातें करते थे। नकुल स्टॉप इट नाउ। नहीं सर मैं सच कह रहा हूं। आई सेड स्टॉप इट नाउ। क्या तुम्हारे पापा घर शराब पीकर नहीं आते थे? क्या वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी को मारते नहीं थे? आई सेड स्टॉप इट। नहीं सर, आप ही क्या कह रहे, मेरे पापा ऐसा नहीं करते थे सर। मैंने अब तक तुम पर विश्वास किया था, लेकिन अब मुझे तुम पर शक होने लगा है। देखो नकुल, मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारे पापा के बारे में सच जान चुका हूं, फिर भी तुम झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो मुझसे। जो जी जान से तुम्हें यहां से बचाने की कोशिश कर रहा है। देखो नकुल, आई नो द ट्रूथ, लेकिन ये बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। सो टेल मी, बताओ। आई सेड बताओ, बताओ। ए साले, काय को चिल्ला रहा है? साले को डरा दिया ना? ए नकुल, नकुल, नकुल। नकुल, अरे उसी को ढूंढ रहा अपुन। नकुल, अबे नकुल, तुम कौन हो? अपुन का नाम निखिल है क्या? नकुल का एकदम जिगरी आ रहा है अपुन। पर तू कौन है बे? सिगरेट है क्या तेरे पास? चल निकल निकल। मेरा नाम अजय, मैं नकुल के पापा के बाद। ओ नकुल का बाप, साला एक नंबर का बेवड़ा था, बेवड़ा नंबर वन। और वो नकुल है ना खरगोश की औलाद, अपने बाप को गुस्से में देखता तो एकदम चट्टी में सीधा, फिर भी कहता नहीं 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 मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा ऐसा नहीं करते। साला अपू ने उसको बहुत समझाया, बोला अपने बाप के कान के नीचे खींच दान, नहीं माना साला। अच्छा वो मर गया साला, उसका बाप वो बेवड़ा गटर में पड़ा था साला। सर क्या हुआ सर? सर मैंने अभी क्या किया सर? सर वो मर्डर वाले दिन भी ऐसे कुछ हुआ था सर, मुझे कुछ याद नहीं है सर। मैं पागल ही होना चाहता सेमी सर, सर मैं पागल ही होना चाहता सर। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ कुछ नहीं नकुल, कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। Are you nervous? No, not at all. I'm very fine, sir. पर अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे मम्मी की फिक्र हो रही है सर। कल तुम इन झमेलों से आजाद हो जाओगे। And don't worry,
फर्दर स्टडीज के लिए तुम्हें यूनाइटेड स्टेट्स जाना है ना? मिलॉर्ड, डिफेंडेंट नकुल शर्मा की उम्र 17 साल 10 महीने है। उस पर इंडियन पीनल कोड सेक्शन 376 के तहत रेप और 302 के तहत मर्डर का आरोप है। वो शक की बिना पर है। मैं प्रोसिक्यूशन में केस लड़ रही पब्लिक प्रोसिक्यूटर नताशा सिन्हा से ठोस सबूत पेश करने की मांग करता हूं। प्रोसीड। थैंक यू। योर ऑनर, यह है फोरेंसिक एक्सपर्ट रिपोर्ट, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि सायरा की नाखूनों में पाया गया खून नकुल का ही है। और यह है फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट रिपोर्ट, जिससे यह साबित होता है कि सायरा की गर्दन पर पाए गए उंगलियों के निशान भी नकुल के ही हैं। योर ऑनर, हमें नकुल शर्मा को कसूरवार साबित करने के लिए इससे ज्यादा और सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। That's all. मिलॉर्ड, मैं नकुल शर्मा की सफाई में कुछ विटनेसेस बुलाना चाहूंगा। इजाजत है? मैं नकुल और सायरा दोनों का फ्रेंड हूं। नकुल के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता, और पहली बात तो नकुल ऐसा कर ही नहीं सकता, और सायरा के साथ नेवर, देवर मैडली इन लव। नकुल, नकुल के बारे में मैं क्या कहूं जज साहब? वही तो मेरे जीवन का एक सहारा है। उससे मुझे वो सब कुछ मिला, सब कुछ जो एक मां अपने संतान से उम्मीद कर सकती है, आदर, प्यार, सहारा। हर मां अपने बच्चे की हिफाजत करती है, रक्षा करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर नकुल के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अगर 7 जन्मों के लिए ईश्वर ने मुझे नकुल जैसा बेटा दिया तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगी जज साहब। वो लड़का किसी पर उंगली भी नहीं उठा सकता, वो किसी का खून कैसे कर सकता है, किसी की हत्या कैसे कर सकता है? वो बेकसूर है, वो बेकसूर है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। योर ऑनर, नकुल शर्मा एक अच्छा लड़का है, ये मैं भी मान सकती हूं। सभी विटनेसेस ने अपनी अपनी राय दी है और सभी कहते हैं कि नकुल शर्मा ऐसा कर ही नहीं सकता। इट इज अ पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू देम। अब मैं एक विटनेस बुलाना चाहूंगी, जयप्रकाश शाह, जिनका बैंड स्टैंड पर एक छोटा सा फास्ट फूड एंड जूस स्टॉल है। सारा मर्चेंट की मर्डर की शाम को नकुल शर्मा उनके स्टॉल पर गया था। मिस्टर शाह, प्लीज। मिस्टर शाह, क्या आप बताएंगे कि उस शाम को क्या हुआ था? रात के करीबन 8 बजे थे, मुझे बराबर याद है। यही लड़का आया था मेरे स्टोर पे। अब मुझे क्या पता इसने इतना बड़ा कांड किया है, अभी किसी के चेहरे पे से तो पता नहीं चलता है ना। है? वो आया ना तभी बहुत शांत था, उसने एक कोल्ड ड्रिंक पिया, एक सिगरेट भी ली और मेरे पास से 1-1 रुपये के 2 सिक्के भी मांगे। उसके कपड़े थोड़े खराब थे और हाथ पे छिल जाने के निशान भी थे और सर पे एक जख्म भी था। मैंने उसको पूछा कि ये जख्म कैसा है, तो हंसने लगा और मेरे को बोला कि वो एक नंबर करने को गया था ना तो पत्थर पे से पैर फिसल गया। इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं मालूम है, मैं सच कहता है। योर विटनेस,
नो क्वेश्चन योर ऑनर। थैंक यू मिस्टर शाह, आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, अब मैं नकुल शर्मा से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। नकुल, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे और तुम्हारे पापा के संबंध कैसे थे? सर, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे सर। झूठ मत बोलो। सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं बोल रहा हूँ नकुल, मैं तुम्हारे मुंह से झूठ नहीं सुनना चाहता। सर, वो मुझसे प्यार करते थे। डोंट लाई। माँ, सच बोलो। सच कह रहा हूँ सर। शट अप। नहीं जज साहब। क्या वो शराब नहीं पीते थे? नहीं, वो बुरे नहीं थे। क्या वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को मारते नहीं थे? नहीं जज साहब। स्टॉप इट। सर, दो मिनट की मौन दीजिए। नकुल, सच सच बताओ कि तुम्हारे और तुम्हारे पापा के क्या संबंध थे? सच बोलो। नहीं, वो बुरे नहीं थे। वो बुरे नहीं थे सर। योर विटनेस। नकुल शर्मा, तुम्हें सायरा मर्चेंट का गला घोटते वक्त जरा भी डर नहीं लगा? सर, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन? तुम जेपी शाह के स्टॉल पर गए थे फोन करने, गए थे कि नहीं? हाँ, मैं घबराया हुआ था। मैंने वहां से सायरा के घर पे फोन भी किया था ये पूछने के लिए कि वो घर पे पहुंची थी। घबराया हुआ आदमी हंसता तो नहीं है? जेपी शाह ने बताया कि तुम उस वक्त हंस रहे थे। झूठ है। तुमने वहां से सिगरेट भी खरीदी थी? ये भी झूठ है। मैं सिगरेट को हाथ भी नहीं लगा था। पिछले दिनों तुम्हारे और सायरा के झगड़े हुआ कर रहे थे ना? नहीं। तुम उससे तंग आ चुके थे? नहीं, मैं उसे बहुत प्यार करता था। प्यार? फिर भी उसे मार डाला? नहीं, ये झूठ है। ये सब झूठ है। ये झूठ है, वो झूठ है, फोरेंसिक साइंस झूठ है, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट झूठ है, सारा के गले पर पाए गए तुम्हारे तुम्हारी उंगलियों के निशान झूठ है, उसके नाखून में पाए गए तुम्हारा खून झूठ है, सब झूठ है। लेकिन तुम सच्चे हो, तुम मासूम हो, यही कहना चाहते हो ना तुम? बोलो बोलो नकुल शर्मा, सच कहने की हिम्मत नहीं है तुम में? हाँ 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 हाँ, मैंने मारा सायरा को। साली रान बन चुकी थी वो। अपुन के दोस्त नकुल को उल्लू बना रही थी साली। नकुल की आड़ में दो चार लोगों के साथ कनेक्शन था उस साली का। अपुन ने उसको बहुत समझाया, बोला देख नकुल, एक बार पुन एंड पायलट कर डाल, पर नहीं माना साला। ए नकुल, नकुल खरगोश की औलाद, कहीं छुप कर बैठा होगा साला। ये जो नकुल है ना, वो सायरा से बहुत प्यार करता था और इसी का फायदा साली और सायरा उठाने की। हपुर का खोपड़ी बहुत गर्म है, एक दिन सनक गया। और तुम कौन हो? निखिल, अब उनका नाम निखिल है। ये सायरा थी ना, जब नकुल ने उसको पहले पटाया तो एकदम आइटम थी बाप, सॉलिड आइटम, कोई मचमच नहीं। पर धीरे धीरे वो अपुन के दिमाग का दही करने लगी। अपुन ने उसको दो चार बार राग भी दिया था, हाँ, पर नहीं मानी साली। टपका डाला, साली का गला टपा डाला अपुन ने। ऑनर, इसे फिर से दौरा पड़ा है, इसे आराम की जरूरत है, प्लीज। योर ऑनर, अब मैं अपने दूसरे गवाह डॉक्टर मंसूर अली को बुलाना चाहूंगा ताकि आप सब लोग सच्चाई जान सकें।
इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। यस, नकुल शर्मा इज अ पेशेंट। वो एक मरीज है, वो एक ऐसी बीमारी का शिकार है जो बहुत रेयर होती है, स्प्लिट पर्सनालिटी। जैसा कि मैंने आज विद्यार्थी को बताया था कि इस केस में एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को अपने ऊपर धारण करता है तो अपनी पहले व्यक्तित्व को भूल जाता है। सर, नकुल इज इनोसेंट। उसके ऊपर जो दूसरा व्यक्तित्व हावी होता है वो पर्सनैलिटी निखिल की है। सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नकुल के साथ न्याय हो, क्योंकि उसको सजा से ज्यादा इलाज की जरूरत है। महत्वपूर्ण गवाह डॉक्टर मंसूर अली, जो कि हिंदुस्तान के जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं, उनके ठोस बयान को ध्यान में रखते हुए ये बात साफ हो चुकी है कि नकुल शर्मा एक मानसिक बीमार है। इसलिए इंडियन पेनल कोड 84 के तहत कोर्ट नकुल शर्मा को मानसिक बीमार घोषित करती है और उसे कोर्ट की देखरेख में अस्पताल भेजने का फैसला सुनाती है। तुम्हारी मम्मी कहाँ नकुल? मंदिर गई है सर। मैंने कहा था ना तुमसे, तो नाउ यू कैन प्लान ए फ्यूचर बट ओनली आफ्टर 6 मंथ्स। थैंक्स अ लॉट सर, पर ये दो दो बुके क्यों? हाँ, एक नताशा की तरफ से, शी कुडंट कम, और अब मुझे भी जाना होगा बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू प्लान माई फ्यूचर। सर, मेरे तरफ से नताशा जी को सॉरी कह देना, क्योंकि उस दिन कोर्ट रूम में जोश में आकर मैंने उनके बाजुओं को इतने जोर से पकड़ा था, आई कुड फील द पेन सर, उन्हें प्लीज सॉरी कह देना। बोल दूंगा, ओके? हाँ नताशा, वेयर आर यू? मैं घर पर हूँ अजय। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। वो नकुल ने तुम्हें सॉरी बोला है। सॉरी फॉर व्हाट? हाँ, वो कोर्ट रूम में अचानक उसने इतनी जोर से पकड़ लिया था तुम्हें। नकुल ने या निखिल ने? सर, मेरी तरफ से नताशा जी को सॉरी कह देना, क्योंकि उस दिन कोर्ट रूम में जोश में आकर मैंने उनके बाजुओं को इतने जोर से पकड़ा था, मैं खुद वो पेन फील कर रहा था सर। नताशा, कॉल ही ले रहा, ओके? हेलो सर, मैं जानता हूं मुझसे एक गलती हो गई। एनीवे, थैंक्स फॉर सेविंग माय लाइफ एंड माय होम। कोई निखिल विखिल नहीं है, सिर्फ मैं हूं नकुल। सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत पढ़ा भी है, इसलिए तो मैंने मां से कहा था कि अगर कोई मेरा वकील बनेगा तो सिर्फ आप ही सर। सर, आज तक आप एक भी केस नहीं आ रहे ना, और वैसे भी मैंने हारना नहीं सीखा सर। अरे अरे नहीं सर, अरे नहीं सर, डोंट गेट डिप्रेस्ड, कम ऑन, मेरी जीत भी तो आप ही की जीत है ना सर। Oh, my God.